Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बी और बी एड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर आधारित है 1206 से 1761 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आई होप और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट वन से आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ऐबक की उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी इसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे भारत में तैमूर के आक्रमण पर कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो भारत के तैमूर के आक्रमण कौन कौन से थे और उनके कारण क्या थे, उनके प्रभाव क्या थे, उस पर आपको यहाँ पे विवेचना करनी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट टू से आया हुआ क्वेश्चन दूसरा, शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो शेरशाह सूरी जब शासनकाल में थे तो शासन के प्रबंध कैसे थे उसका वर्णन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में दिया हुआ है उसी के औरंगज़ेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। यहाँ पे औरंगज़ेब और अकबर का भी आता है धार्मिक नीति का वर्णन करना, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति कैसी थी इसका वर्णन आपको करना है। उसके बाद इकाई यूनिट थ्री से आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, मुगल कालीन सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन की सामाजिक दशा कैसी थी इस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। तो सामाजिक दशा आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़ भी लेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के सूफी धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी धर्म में आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिलेंगी, उनके प्रमुख सिद्धांत भी होते हैं, तो इन सिद्धांतों का यहाँ पे वर्णन करना है और सिद्धांत आप लोग पढ़ लेंगे भाई इनका, ठीक है, सूफी धर्म के। उसके बाद इकाई यहाँ पे यूनिट फोर से आया हुआ क्वेश्चन फोर, मुगलकालीन स्थापत्य कला के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है आपको। मुगलकालीन संस्थापत कला के विकास मतलब विकास कैसे हुआ पर एक संक्षिप्त मतलब पूरी जानकारी आपको यहाँ पे आपको देनी है, निबंध यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया हुआ है उसी के सल्तनतकालीन शिक्षा एवं साहित्य पर एक लेख लिखना है यहाँ पे। शिक्षा और साहित्य सल्तनतकालीन में कैसी थी इस पर आपको एक लेख तैयार करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट फाइव से आया हुआ क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बहमनी साम्राज्य कैसा था, कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन राजा था, कौन सेनापति था, ये सभी चीज़ें इनमें वो साम्राज्य की पूरा संक्षिप्त विवरण यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है मराठा साम्राज्य के निर्माता के रूप में, यहाँ पे देख सकते हैं आप मराठा साम्राज्य के निर्माता के रूप में शिवाजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए मराठा साम्राज्य के निर्माता कौन थे, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी महाराज थे, तो उनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी इनका मूल्यांकन आपको करना है। तो यहाँ पे आप लोग उपलब्धियाँ आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, और मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका हिस्ट्री का BA थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ किसी विषय की क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।